नमस्कार साथियों, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित गुडला वल्लेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां लड़कियों के हॉस्टल के शौचालय में एक हिडन कैमरा मिला है। इस कैमरे से बने कुछ वीडियो कथित तौर पर छात्रों के बीच वायरल होने के बाद अब स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिडन कैमरे के बारे में पता चलने के बाद स्टूडेंट्स ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसे लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट विजय कुमार को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी का फोन और लैपटॉप भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि हिडन कैमरे से छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करके बेचे जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक अब तक लगभग 300 फोटो और वीडियो लीक हो चुके हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुडला वल्लेरू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस बारे में एक हफ्ते पहले बताया गया था, लेकिन कॉलेज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। गुरुवार को छात्राओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन की खबर मीडिया तक न पहुंचे, इसलिए मैनेजमेंट ने कॉलेज के गेट बंद कर दिए थे। हालांकि छात्राओं ने देर रात तक प्रदर्शन जारी रखा तो पुलिस को मामले की जानकारी मिली। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गर्ल्स शौचालय में कैमरे छिपाने में कॉलेज के ही एक लड़की ने विजय की मदद की थी, लेकिन दोस्तों अभी तक पुलिस या कॉलेज प्रशासन ने यह नहीं बताया कि वह लड़की कौन थी। हालांकि सोशल मीडिया पर विजय के साथ एक लड़की की तस्वीर वायरल है और दावा किया जा रहा है कि वह आरोपी की गर्लफ्रेंड है और कैमरा उसने ही छिपाया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विजय ने पहले ओयो रूम में गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर हॉस्टल में कैमरा लगाने के लिए मजबूर किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।